नमस्कार दोस्तों, आज के नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि आप वी आई की सिम का पोर्ट कोड कैसे निकालोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो फेसबुक पर देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं और इसी प्रकार का वीडियो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, दिखाते हैं दोस्तों आपको फुल प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से। हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर हमको एक मैसेज नया टाइप करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों देख रहे हैं कि एंटर मैसेज, तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे लिखना है बड़े अक्षरों में PORT पोर्ट, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और ये हो गया स्पेस। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमको करना क्या है, यहाँ पर हमको अपना मोबाइल नंबर, जिस नंबर का आप पोर्ट कोड निकालना चाहते हैं, यूपीसी कोड निकालना चाहते हैं, वो नंबर आपको दोस्तों यहाँ पर एंटर कर देना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर वीआई का जो मेरे पास नंबर है मैं वो उसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको भी इसी प्रकार से कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये हो गया बड़े अक्षरों में PORT पोर्ट स्पेस मोबाइल नंबर। इसके बाद दोस्तों अब ये हमको भेजना किस नंबर पर है, तो वो आपको दोस्तों यहाँ पर टाइप करना होगा। क्लिक करें और यहाँ पर 1900। तो ठीक है दोस्तों, हमने इसको यहाँ पर कर दिया है। अब इसका अब अगला प्रोसेस आता है कि अब आपको जो है वो आपकी जो सी यानी पहले में पहले स्लॉट में सिम है या दूसरे स्लॉट में सिम है। मान लीजिए जैसे कि मेरा पहले नंबर पर जो जियो है दूसरे पे वीआई है, तो दोस्तों मैं इसको दूसरी सिम से सेंड कर देता हूँ क्योंकि मेरा दूसरे नंबर का जो सिम है वो वीआई का है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो मैसेज जो सेंड किया है ये फेल हो चुका है। कि कारण ये है कि मेरे मोबाइल में अभी बैलेंस नहीं है। मैं पहले अपने नंबर पर बैलेंस डालूँगा, उसके बाद फिर से इस मैसेज को दोबारा ट्राई करूँगा। यदि आपके सिम में बैलेंस है तो दोस्तों आप तभी इस मैसेज को सेंड कर सकते हैं। मिनिमम आपके मोबाइल में 2 रुपये कम से कम होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस मैसेज को सेंड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर से अपने सिम में रिचार्ज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगा ट्राई करके कि पोर्ट का मैसेज कैसे सेंड किया जाता है। तो दोस्तों मैंने अपनी सिम में रिचार्ज कर लिया है। तो सिंपली दोस्तों मुझे इसे को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर एंटर पे क्लिक करना है और इस मैसेज को मुझको दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे कि मेरे दूसरे नंबर में वीआई का सिम पड़ा हुआ है, तो सिंपली दोस्तों मुझे दूसरी सिम से इसको सेंड कर देना है। आप देख सकते हो कि मैंने इसे सेंड कर दिया है, फिर से अब ये फेल नहीं हुआ है। जैसे कि मेरे आप जो है कुछ बैलेंस कटा होगा, लेकिन जो फ़िलहाल मैं अब आपको दिखाता हूँ कि पोर्ट कोड किस प्रकार से आता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, देखिए ऊपर वाला मेरा जो है फेल हो चुका है और नीचे वाला जो है ग्रीन है। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको पोर्ट कोड निकाल कर पूरा कम्प्लीटली, तो थोड़ा सा वेट करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास मैसेज आ चुका है, तो सिंपली मैं इसको क्लिक कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा यहां पर जो है मोबाइल नंबर शो कर रहा है और मेरा यूपीसी कोड यहां पर दोस्तों डेफिनेटली आ चुका है। और यहां पर जो है आपको ये दिखा देगा कि अब आपका जो यूपीसी कोड है ये कब तक एक्सपायर होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपनी वीआई की सिम का पोर्ट कोड निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों मैंने आपको फुल प्रोसेस दिखा दिया इस वीडियो के माध्यम से। और एक चीज़ का ख्याल ध्यान रखें, यदि आपके सिम में बैलेंस नहीं है तो दोस्तों आप अपनी सिम का यूपीसी कोड नहीं निकाल सकते। आपको दोस्तों बैलेंस डलवाना है कम से कम, यदि नहीं है तो दोस्तों आपको कम से कम 49 रुपये तो डलवाने ही होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।